हाय दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपने ई दृष्टि के जो हमारा नवत्र आता है वार्षिकांक 2019 करंट अफेयर्स में जो योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उनको हम देखेंगे। ठीक है, ये हमारा छठा वीडियो है और इसके पहले हमने जो इम्पोर्टेंट थे उसको देख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अप्रैल 2019 में किस देश ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए राष्ट्रीय रणनीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रेटजी 2031 को अपनाया? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने। अप्रैल 2019 में आरबीआई ने किसको इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड हेतु ई मैंडेट लागू करने के लिए मंजूरी प्रदान की? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात एनपीसीआई। अप्रैल 2019 में किस बैंक ने ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए भारत का पहला ग्रीन कार ऋण लॉन्च किया? एसबीआई ने। अप्रैल 2019 में अपने ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से चैट बैंकिंग सुविधा शुरू करने वाला विश्व का पहला इस्लामिक बैंक कौन है? अमीरात इस्लामिक बैंक। 17 से 19 मार्च 2019 के मध्य भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 14वां सीआईआई एक्सिम बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? नई दिल्ली में। 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बक्सर और खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखी। यह दोनों परियोजनाएं किस तकनीक पर आधारित हैं? सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। खुर्जा ताप विद्युत संयंत्र 1320 मेगावाट कहाँ स्थित है? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में। 7 मार्च 2019 को किस राज्य में सिविल सेवा की कोचिंग के लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक की मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई? मणिपुर में। मार्च 2019 में किस राज्य में अटल आहार योजना शुरू की गई? महाराष्ट्र में। कीरू पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर स्थित है या निर्मित की जा रही है? चिनाब नदी पर। 7 मार्च 2019 को किस राज्य में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना शुरू की गई है? उत्तराखंड में। 6 मार्च 2019 को किस राज्य ने राज्य में युवाओं को व्यवसाय स्थापित करने में सहायता प्रदान करने हेतु युवा श्री अर्पण योजना शुरू करने की घोषणा की? पश्चिम बंगाल ने। मार्च 2019 में किस राज्य में मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की गई? उड़ीसा में। 2 मार्च 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने का निर्णय लिया गया? उत्तर प्रदेश में। मार्च 2019 में किस राज्य में जय किसान समृद्धि योजना लागू की गई? मध्य प्रदेश में। मार्च 2019 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा छात्रों एवं अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं सही समय पर उपलब्ध कराने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? शिक्षा वाणी ऐप। मार्च 2019 में किस राज्य में अनुसूचित जाति की कक्षाओं में पढ़ने वाली सभी लड़कियों को मुफ्त में साइकिल प्रदान करने हेतु सरस्वती साधना योजना शुरू की गई है? गुजरात में। मार्च 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने किसके साथ संयुक्त भागीदारी में संगम परियोजना शुरू की है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार। मार्च 2019 में कोरिया एक्सिम बैंक द्वारा विशाखापत्तनम मेट्रो रेल परियोजना हेतु कितना ऋण देने का निर्णय लिया गया? 4100 करोड़ रुपये। अप्रैल 2019 में भारतीय एयरटेल द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? माई सर्कल। मार्च 2019 में किसके द्वारा भारत उपभोग योजना शुरू की गई? ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। मार्च 2019 में अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच चाइल्ड डे केयर सुविधा शुरू करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा। फरवरी 2019 में किस राज्य में किसानों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना शुरू की गई है? हरियाणा में। मार्च 2019 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमार स्वामी ने किस नाम की एक जल संरक्षण योजना का शुभारंभ बेंगलुरु में किया? जल अमृत। 5 मार्च 2019 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत बांग्लादेश सीमा पर व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत बोल्ड QIT अर्थात बॉर्डर इलेक्ट्रॉनिकली डोमिनेटेड QRT इंटरसेप्शन टेक्निक परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया? असम के धुबरी जिले में। 28 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदत्त फेम इंडिया योजना द्वितीय चरण 3 वर्षों के लिए किस तिथि से प्रारंभ हुई? 1 अप्रैल 2019 से।
28 फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रधानमंत्री G1 अर्थात जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना हेतु वर्ष 2018-19 से 2023-24 की अवधि तक कुल कितनी राशि के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी प्रदान की गई है? 1969.5 करोड़ रुपये। 24 फरवरी 2019 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहां से किया? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। फरवरी 2019 में किस राज्य में शहरी युवाओं को प्रतिवर्ष 100 दिनों की रोजगार गारंटी हेतु मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। फरवरी 2019 में टेक उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु विविड 2019 के तीसरे संस्करण में कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रौद्योगिकी उष्मायन और उद्यमियों का विकास टाइड 2.0 योजना। केरल पुलिस द्वारा लाए गए भारत के पहले ह्यूमनॉइड पुलिस रोबोट का क्या नाम है? केपी बोट। 19 फरवरी 2019 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किसानों को वित्तीय और जल सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अनुमोदित की गई योजना का क्या नाम है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। 19 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मार्च 2019 के बाद भी जारी रखने की मंजूरी प्रदान की गई। इस चरण के अंतर्गत वर्ष 2022 तक कुल कितने मकानों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? 1.95 करोड़। 19 फरवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किस बाह्य सहायता प्राप्त करने के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई? राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण योजना। स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित इको सर्किट का विकास पठन मथिट्टा गवी वागा मोन थेक्कड़ी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से। 1 अप्रैल 2019 को किस राज्य में मुख्यमंत्री वृद्ध जन पेंशन योजना शुरू की गई? बिहार राज्य में। 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहाड़ी बांध आधुनिकीकरण योजना का उद्घाटन किया। यह बांध किस नदी पर स्थित है? धशान नदी पर। 9 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में तवांग और आगे के क्षेत्रों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु किस सुरंग योजना परियोजना का शिलान्यास किया? शिला सुरंग परियोजना। 7 फरवरी 2019 को किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में इंदिरा गृह ज्योति योजना को शुरू करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई? मध्य प्रदेश। फरवरी 2019 में शुरू की गई प्रकाश गृह परियोजना चैलेंज के तहत वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चैलेंज भारत के अंतर्गत प्रकाश गृह परियोजना के निर्माण हेतु देश भर में कितने स्थलों का चयन किया जाएगा? 6। किस राज्य में मिनी माता अमृत जल नल जल योजना मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना और राजीव गांधी सर्वजल योजना शुरू की जाएगी? छत्तीसगढ़ में। इंदिरा मिनी यूनिवर्सल विधवा पेंशन योजना अंतर्गत 45 वर्ष की आयु तक की महिला के पति के निधन होने पर असम सरकार उसे तत्कालिक पारिवारिक सहायता के रूप में एकमुश्त कितनी राशि प्रदान करेगी? 25,000 रुपये। असम सरकार किस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी समुदायों को शादी के अवसर पर 1 तोला सोना प्रदान करेगी जहां शादी के समय सोना देने की प्रथा है? अरुंधति योजना। मेगावाट की किरु जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की जा रही है? जम्मू और कश्मीर किश्तवाड़ तहसील में। 8 फरवरी 2019 को 3 वर्ष से अधिक की अवधि हेतु केंद्र सरकार ने कितनी राशि के योगदान के साथ एक समर्पित एशियाई शेर संरक्षण परियोजना का शुभारंभ किया? 97.85 करोड़ रुपये। 26 जनवरी 2019 को किस राज्य में शहरी क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु युवा स्वाभिमान योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में प्रवासी लाभांश पेंशन योजना शुरू की गई है? केरल में। जनवरी 2019 में किस राज्य में वन फैमिली वन जॉब योजना का शुभारंभ किया गया? सिक्किम में। जनवरी 2019 में किस राज्य में भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रिज का नाम ब्योरुंग ब्रिज। उत्तरी कोयल मंडल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। दोलाई थावी बैराज परियोजना किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। कृषक बंधु योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है?
पश्चिम बंगाल में। दिसंबर 2018 में किस राज्य सरकार ने किसानों की मदद के लिए 2225 करोड़ रुपए की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना शुरू करने की घोषणा की? झारखंड सरकार ने। झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-20 से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को प्रतिवर्ष खरीफ की फसल हेतु प्रति एकड़ कितनी राशि प्रदान की जाएगी? 5000 रुपये। दिसंबर 2018 में किस मंत्रालय द्वारा एशियाई शेर संरक्षण परियोजना शुरू की गई? केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। 3 वर्षों की अवधि हेतु एशियाई शेर संरक्षण परियोजना हेतु लगभग कुल कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है? 97.85 करोड़ रुपये। दिसंबर 2018 में विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई अटल भाषांतर योजना में कितनी भाषाओं का अनुवाद हिंदी में अनुवाद करने हेतु भाषा विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया जाएगा? 6 भाषाओं का, अरबी, चीनी, फ्रांसीसी, रूसी, जापानी और स्पेनी। रेणुका बहुद्देशीय परियोजना किस नदी पर निर्मित की जाएगी? गिरी नदी पर। दिसंबर 2018 में केंद्र सरकार द्वारा रामेश्वरम को धनुषकोडी से जोड़ने वाली नई ब्रॉडगेज लाइन रामेश्वरम धनुषकोडी रेल परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई। इस परियोजना की लागत राशि कितनी है? 208 करोड़ रुपये। दिसंबर 2018 में रेलवे ने कौन से मौजूदा पुल के समानांतर एक नए वर्टिकल लिफ्ट पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की, जो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट पुल होगा? पंबन पुल का। दिसंबर 2018 में किस राज्य सरकार द्वारा आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायता योजना को मंजूरी दी है? उड़ीसा राज्य ने। ठीक है, दिसंबर 2018 में पतंजलि योगपीठ के सहयोग से किस राज्य में विश्व स्तरीय हर्बल वन परियोजना शुरू की गई है? हरियाणा के मोहरनी हिल्स में। दिसंबर 2018 में नागालैंड राज्य में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के स्वदेश दर्शन योजना के तहत शुरू की गई पहली परियोजना का क्या नाम है? जनजातीय सर्किट विकास पेरन कोहिमा पोखा परियोजना। नवंबर 2018 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पंजाब में डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब रोड गलियारे के निर्माण हेतु आधारशिला रखी। करतारपुर साहिब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के किस जिले में स्थित है? नरोवाल जिले में। 25 नवंबर 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश में भगवान बुद्ध की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा मूर्ति 70 फीट का कहां अनावरण किया? राजगीर बिहार में। सिग्नेचर ब्रिज कहां स्थित है? दिल्ली में। अक्टूबर 2018 में भारत की सबसे बड़ी शुष्क गोदी की आधारशिला कहां रखी गई? कोचीन शिपयार्ड में। मेक इन इंडिया के पहल के तहत निर्मित भारत की पहली इंजन रहित सेमी हाई स्पीड ट्रेन का क्या नाम है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसका पहले क्या नाम था? ट्रेन 18। वंदे भारत एक्सप्रेस को किसके द्वारा विकसित किया गया है तथा कहां से कहां तक चलाई जा रही है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा। और ये कहां से कहां तक चले? दिल्ली से वाराणसी तक। अक्टूबर 2018 में किस राज्य में घोघा दहेज रो पैक्स सेवा शुरू की गई? कहां? गुजरात में। अक्टूबर 2018 में किस राज्य में नीली क्रांति एकीकृत विकास और मत्स्य पालन प्रबंधन नामक परियोजना शुरू की गई? मेघालय में। 24 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शेल फॉर सोसाइटी विषय के साथ लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? मैं नहीं हम। अक्टूबर 2018 में भारत की पहली यात्री क्रूज शिप सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू की गई? मुंबई और गोवा के बीच। क्रूज शिप आंग्रिया का नाम किस मराठा नेवी एडमिरल के नाम पर रखा गया है? कान्होजी आंग्रे के नाम पर। भारत का सबसे लंबा नदी पुल 19.3 किलोमीटर किस नदी पर निर्मित किया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह पुल वर्ष 2026-27 तक किन दो स्थलों को जोड़ेगा? धुबरी असम को फुलबारी मेघालय से। किस राज्य में राज्य सरकार ने मानव पशु संघर्ष को राज्य घोषित मानव पशु संघर्ष को राज्य घोषित आपदा माना है? उत्तर प्रदेश ने। 18 अक्टूबर 2018 को किस रेलवे क्षेत्र ने अपने कर्मचारियों और यात्रियों के लिए ENCR रास्ता रेलवे असेट्स समराइज ट्रैकिंग एप्लीकेशन और यात्री रास्ता रेलवे अप्रोच टू स्टेशन ट्रैकिंग एप्लीकेशन नामक 2 मोबाइल ऐप लॉन्च किए? उत्तर मध्य रेलवे। भारत के पहले कृषि खाद्य व्यापार ऑनलाइन शिक्षण मंच का क्या नाम है? ESRIX एग्री बिजनेस एकेडमी।
तराली सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, सतारा जिले में। अक्टूबर 2018 में किस राज्य में निर्माण श्रमिकों के बच्चों को तकनीकी शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निर्माण कुसुम कार्यक्रम शुरू किया गया? उड़ीसा में। 12 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने हेतु किस नई योजना को मंजूरी प्रदान की? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, पीएम आशा। अक्टूबर 2018 में कौन सा रेलवे क्षेत्र मानव रहित क्रॉसिंग फ्री जोन बना? दक्षिण रेलवे। 26 सितंबर 2018 को वित्त मंत्रालय ने वित्तीय समावेशन के तहत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? जनधन दर्शक। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रांची झारखंड में कौन सी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत। 14 सितंबर 2018 को किस राज्य में स्वदेश दर्जन परियोजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया? छत्तीसगढ़ में। 17 सितंबर 2018 को भारत ने किस देश की सीमा के साथ स्मार्ट बाड़ प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया? पाकिस्तान के साथ। अगस्त 2018 में नेता नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन मोबाइल ऐप शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा। अगस्त 2018 में किसने एकल खिड़की एकीकृत पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली परिवेश प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव वर्सुअस एंड एनवायरमेंटल सिंगल विंडो हब लॉन्च किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इलाहाबाद में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले 6-लेन पुल की लंबाई होगी 9.9 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रदत्त राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने किए जाने हेतु कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई? 10 लाख रुपये। किस राज्य सरकार द्वारा एक जनपद एक उत्पाद योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश। दूर संचार उपभोक्ताओं को अनचाहे फोन कॉल व SMS से छुटकारा दिलाने के लिए भारतीय दूर संचार विनियामक प्राधिकरण ने 7 अगस्त 2018 को DND 2.0 और माइकॉल ऐप को किस मोबाइल प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया गया? उमंग। 24 अगस्त 2018 को भुज गुजरात स्थित 126 मेगावाट क्षमता वाली ISTS इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम से जुड़ी भारत की पहली पवन विद्युत परियोजना को किसके द्वारा चालू किया गया? मेसर्स आस्ट्रो कच्छ विंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। 14 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में मंदुरी गांव से किस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया गया? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। इसमें कौन कौन आएगा? लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। 15 जुलाई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में कौन सी नहर परियोजना राष्ट्र को समर्पित की? बाण सागर नहर परियोजना। 31 जुलाई 2018 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI द्वारा जहाजों की उपलब्धता पर वास्तविक समय डेटा के साथ कार्गो मलिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु किस समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया? फोकल, फोरम ऑफ कार्गो ऑनर्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स। मई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 मेगावाट की पाकलदुल पन बिजली परियोजना का शिलान्यास किया जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ जिला चिनाब नदी पर। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा प्रमुख योजनाओं से संबंधित जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आंसर फॉर्म में डिस्कशन। तो चलिए अपने हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक अच्छे से नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।